पलामू के एमएमसीएच कोविड वार्ड में फिर हंगामा हुआ है। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने बवाल काटा है। स्वास्थ्य कर्मियों से उलझे हैं परिजन और हड़ताल पर अब स्वास्थ्य कर्मी चले गए हैं। अधिकारी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हंगामे के बाद स्वास्थ्य कर्मी नाराज होकर हड़ताल पर चले गए हैं। मरीज के परिजनों ने हंगामा किया, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ उनकी नोकझोंक हुई, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मी नाराज होकर अब हड़ताल पर चले गए हैं। हालांकि अधिकारी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पेंडेमिक सिचुएशन में स्वास्थ्य कर्मियों की बहुत ज़रूरत है। कोविड पीरियड में कई पेशेंट भरे हुए हैं अस्पतालों में, जो क्रिटिकल कंडीशन में भी हैं। ऐसे में अगर ये हड़ताल पर चले जाते हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है। फिलहाल उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने बवाल किया है। स्वास्थ्य कर्मियों से ही उलझ पड़े मरीज के परिजन। दरअसल मरीज को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद मरीज के परिजन लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा करने लगे, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मी नाराज हो गए हैं। उस हंगामे के बाद स्वास्थ्य कर्मी ही हड़ताल पर चले गए हैं। सहयोगी संतोष जुड़े में पलामू से अपडेट के साथ। संतोष, ऐसे वक्त में जब पेंडेमिक है और स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर चले जाते हैं नाराज होकर, काफी दिक्कतें हो सकती हैं। फिलहाल क्या कुछ इस घटना के बारे में जानकारी है? बता दें कि जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त परिजन जो है का जैसा आरोप है कि वहाँ पे डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर की मौजूदगी नहीं थी, डॉक्टर की खोज की जा रही थी। समय मरीज की हालत गंभीर थी, इस वक्त लोग डॉक्टर की खोज कर रहे थे, डॉक्टर उस वक्त नहीं थे, जिसके बाद जो है मरीज की मौत हो जाती, जिसके बाद परिजन जो है बेहद ही गुस्सा और नाराजगी होकर टूट पड़ते हैं और वहाँ पे मौजूद हर तरह की तोड़फोड़ करने लगते हैं, नर्सों पर भी चिल्लाने लगते हैं। तो वहाँ पर जो मौजूद नर्स थे वो बाकायदा अपनी सुरक्षा दृष्टिकोण देखते हुए खुद से ही जो है डंडा और जो भी है अपनी सुरक्षा के लिए वो लोग बचाव के लिए खड़े हो जाते हैं। काफी नोकझोंक होती है क्योंकि इससे पहले भी परिजनों के द्वारा जो है इस तरह का किया जा चुका है। नर्सों ने पहले भी कहा था कि हमारी सुरक्षा बेहद जरूरी है, स्थानीय प्रशासन से भी गुहार लगाई थी, क्योंकि अब तक जो है इस तरह की जो ये वारदात हुई है तीसरी बार हुई है, हालांकि इस बार बेहद ज्यादा हो चुकी है। हालांकि बता दें कि फिलहाल जो है स्थानीय पुलिस जो है वहाँ पहुंचे हुए हैं, जो जिले के अधिकारी वो पहुंचे हुए हैं, नर्सों को भी समझाया बुझाया जा रहा है। जो लोग इसमें हरकत किए हैं, जो मारपीट किए हैं, उनको भी जो है पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जा रहा है। हालांकि वहाँ पे जो विधि व्यवस्था होनी चाहिए संपूर्ण रूप से होनी चाहिए, ताकि इस तरह की जो हरकतें होती है ये दोबारा ना हो सके। जी चलिए, शुक्रिया संतोष उस तमाम जानकारी के लिए। तो सुरक्षा कर्मी सुरक्षा की मांग कर रहे थे स्वास्थ्य कर्मी। उनका कहना है कि लगातार वो मांग करते रहे हैं लेकिन उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती है और अक्सर उनके साथ ऐसी घटना होती है।